अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है और उसी की वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने बहाने को बहाना देकर अपने सपने को हकीकत में लाने के लिए पूरी जी जान लगा दोगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। मैं इस वीडियो में 4 एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब एक बंदा आर्थिक तंगी की वजह से 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेच सकता है ताकि कुछ पैसे मिल जाए जिससे वो पढ़ाई पूरी कर सके और थोड़ा घर का भी खर्चा चल जाए। जिसके घर की हालत कुछ ऐसी थी कि ठीक ढंग से 2 वक्त तक खाना भी नसीब नहीं होता था, वो बंदा आगे चलकर एक महान साइंटिस्ट और इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जब इतनी परेशानियों के बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, तो तुझे किस चीज़ की कमी है? किसने रोका है तुझे? अगर तुम्हारे पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना है, रहने के लिए घर है, प्यार करने के लिए माँ बाप हैं, तो तुम दुनिया के 60% आबादी से कहीं ज़्यादा अमीर हो, जिनके पास ये कुछ भी नहीं है। दोस्त, बहाने सिर्फ पल भर की खुशी देते हैं, थोड़ी सी खुशी के चक्कर में ये आपका सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना। पॉइंट नंबर 2, एक गरीब माली का बेटा जो रोड पर झाड़ू लगाता था, जिसे लोग कहते थे ये क्या ही करेगा अपनी लाइफ में, लेकिन इस बंदे को दुनिया से कोई मतलब नहीं था कि दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। इसे मतलब था तो बस अपने पैशन से, अपने सपने से, जिसकी वजह से आज इस बंदे का नाम एक ब्रांड बन चुका है, जिसे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिलों की धड़कन है। आज इस बंदे की फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक बार एक मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बंदा अपने टेबल पर पड़ी 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हटा देता है और उसकी जगह पानी की बॉटल रख देता है, जिसकी वजह से वो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को 293 अरब का नुकसान हो गया था। यार, जब इतनी परेशानी के बाद ये बंदा इस मुकाम तक पहुंच सकता है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? नाकामयाब होने के लिए 1000 रीजन हो सकते हैं दोस्त, पर तुम्हें उस एक रीजन पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में ला के रख दे, और ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर ला। पॉइंट नंबर 3, मुनीबा मजारी, जिसकी नई नई शादी हुई थी, जिस समय उसकी उम्र 18 साल थी, और उसके 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण चलना फिरना पूरा रुक गया, और डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि अब ये कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसी हालत में इन्हें 2 साल तक बेड पर गुजारने पड़े। इन्हीं सब के बीच इनके पति ने इनको तलाक दे दिया। ये एक ऐसा टाइम था जब ये अपना सब कुछ हार चुकी थी। सुनने में आसान लगता है दोस्त, एक बार अपने आप को वहाँ रख के देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसे हालात में एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है सिवाय रोने और अपने आप को कोसने के, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने डिसीजन लिया इस हालात से बाहर निकलने का, अपने सपने को पूरा करने का, और मात दे दिया अपनी सारी परेशानियों को। और आज ये बंदी वर्ल्ड फेमस पेंटर, व्हीलचेयर मॉडल, न्यूज एंकर और मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या इससे भी ज़्यादा तकलीफ है आपके पास, या सिर्फ बहाना है अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए? जब ऐसी हालातों से गुजरने के बाद ये कर सकती है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? तुझे किसने रोका है? तुम आज जो भी कर रहे हो, चाहे मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हो या सोशल मीडिया पर रील्स देखकर बहुत खुश हो रहे हो, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है सिवाय पछतावे और बेरोजगारी के। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद इमेजिन करो कि जो तुम कर रहे हो उससे आने वाले 2 साल में, 3 साल में कुछ हासिल कर पाओगे? अब कुछ लोग बोलेंगे कि छोड़ो यार, क्या फालतू बातें कर रहा है, मजे तो आ रहा है ना। तो उनसे बस यही कहूँगा कि हाँ दोस्त, ले मजे, लेकिन जब जिंदगी तुम्हारे मजे लेगी, तब रोते रहना, कोसते रहना अपनी किस्मत को। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई गोल नहीं होगा ना, तो तुम्हारी लाइफ ही गोल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, MS धोनी, एक ऐसा नाम जिसे आज शायद ऐसा कोई होगा जो इस नाम को नहीं जानता होगा। ये बंदा बसों में टिकट कलेक्टर का काम करता था। घर वालों का कहना था कि कोई सरकारी नौकरी कर लो, लेकिन इस बंदे को तो अलग ही जुनून सवार था, और इसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके लाखों करोड़ों लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। दोस्त, जब इतनी परेशानियों के बावजूद ये लोग कर सकते हैं, तो तू क्यों नहीं? इनकी ज़िंदगी में भी परेशानियां रही होंगी, इनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, इनको भी कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इन लोगों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, नेवर गिव अप। यार, गिव अप नहीं करना यार। परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों को जो अवसर के रूप में देखता है, वही लाइफ में कुछ बड़ा कर जाता है। अरे, नॉर्मल ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा? ज़िंदगी जीने का मज़ा तो तब है जब पूरी दुनिया तुम्हें लेजेंड कहने लगे। लेकिन ये नाम सिर्फ सोने या टाइम पास करने से नहीं मिलता, इसके लिए कड़ी मेहनत
और आत्मविश्वास का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन को होना जरूरी है। दोस्त ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने बहाने को बहाना देकर लाइफ में कुछ ऐसा हटके किया जिससे उनके पास आज वो सब कुछ है जिसके लाखों लोग सिर्फ सपने देखते हैं। दोस्त सपने देखो लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए, ना कि भूलने के लिए। आज सक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी में 14 साल के बच्चे भी हैं और 65 साल के बुजुर्ग भी हैं। दोस्तों सफल होने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती, उसके लिए मायने रखता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को आप सिर्फ 5 साल पूरे सच्चे मन और ईमानदारी से कीजिए और अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए और यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। क्योंकि कायर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।